Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you live with me, Rabia Aziz. Friday ka din hai. I'm quite excited kyunki I don't know if everybody can see. Ye the gift vouchers hamare 100th session ke liye. Bahut exciting tha because a lot of you have reached out. Kafi sare logon ne session like kiya. काफ़ी सारे लोगों ने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मैसेजेस छोड़े, हमें सपोर्ट किया. एंड मैं आपको बताती चलूँ, दिस इज़ वैलिड टिल द 14th ऑफ सितंबर. सो प्लीज़ इफ़ यू वुड लाइक दिस ब्यूटिफुल हैम्पर, अब मुझे मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर दिख रहा है या नहीं, बिकॉज दिस वॉज अ ब्रिलियंट हैम्पर. इसके अंदर हमारी शिफाम एपिलेप्सी हेल्पलाइन, चाइल्डहुड एपिलेप्सी हेल्पलाइन के बारे में काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी चीज़ें हैं. इट्स अ आप अपने शिफाम के अपॉइंटमेंट्स किस तरह बना सकते हैं. इसके अंदर वाउचर्स हैं अवेलेबल, जिसके अंदर आप डायबिटीज़ एंड अपनी होम सैम्पलिंग करा सकते हैं. देर इज़ अ 50% ऑफ इन दैट, सो टू वाउचर्स. देर इज़ अ वेरी क्यूट हैंड सैनिटाइज़र, पर्सनल बुक जिसके अंदर मैं अपने नोट्स लिख रही होंगी, एक कोस्टर है, इसको आप कोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करें या मेक यूज ऑफ इट, सैनिटरी नैपकिन्स, बिकॉज हम एट शिफाम वी बिलीव, एंड दिस इज़ नॉट प्रमोटिंग द ब्रांड, बट सैनिटरी नैपकिन्स क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक साफ़ सुथरा एंड हाइजीन अवेयर पाकिस्तान इज़ द वे फॉरवर्ड. एंड इसके अंदर डिओड्रेंट है, कपकेक है, कुकीज़ हैं, एंड हमारे शिफाम एपिलेप्सी के कार स्टिकर्स हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट सोप टू, कीपिंग विद द हाइजीन. सो विदाउट फर्दर अड्यू, जिस तरह हम हर सेशन को अपने साथ लेके चलते हैं, आपके लिए आगाही और बहुत कुछ आपके लिए लेके आने के लिए, ताकि आपकी मालूमात बढ़े, उसी तरह आज हम एक ऐसे स्किन कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो विदाउट फर्दर अड्यू, आई एम गोइंग टू टेक डॉक्टर सबीका रज़ा विद अस लाइव ऑन स्ट्रीम, ताकि वो आपको बता सके अपने बारे में थोड़ा, एंड इस कंडीशन सोराइसिस के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स वेलकम हर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबीका, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम राबिया, आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र. हाउ यू? गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, एंड थैंक यू, आपने अपने कीमती वक्त निकाला है शिफाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे डॉक्टर सबीका अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. सो बिफोर वी गेट इन टू आर सेगमेंट फॉर टूडे, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. So my name is Dr. Sabika Raza. I graduated from Dow University of Health Sciences, Sindh Medical College in 2013. And uske baad maine apni house job ki hai Jinnah Postgraduate Medical Center se. And then I did my FCPS in, I had to do first 2 years of medicine. That's how we go about it, FCPS mein. So I did 2 years of general medicine and then 3 years of dermatology. And I graduated from AKU in December 2021. Khan University Hospital, and then I cleared my FCPS Part 2 in dermatology in this session of July 2022. So I have recently completed my FCPS Part 2 and cleared it. So that's about it. Currently, I'm practicing as a for dermatology. Ha, these days, मेरे ख्याल से need भी बहुत है. We don't have many FCPS dermatologists in our country. And again, dermatology should not be only confined to aesthetics. That's also an important point that I always wanted to, you know, ke main jab kuch ban jaungi, I want to make it clear to people that dermatology is a lot more than, you know, aesthetic procedures and beauty and all. So, haan, mera interest tha dermatology mein. And thank you for that. Kyunki jaise ki hum, again, agahi फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, यू नो, फॉर दोज बडिंग रेजिडेंट्स, फॉर दोज मेडिकल स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि डर्मेटोलॉजी सिर्फ एस्थेटिक से रिलेटेड है, देयर इज़ सो मच
Pakistan has to deal with. So before getting into whys and hows, aaj ka jo mauzu hai psoriasis, would you like to start off a little bit about it? So psoriasis, basically, Rabia, is actually it's a very common skin condition in our population. बट मुझे जो चीज बहुत ज्यादा इसके बारे में फील होती है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट विजिट देयर डॉक्टर्स फॉर दैट. समहाउ पीपल जो है वो छुपाना चाहते हैं इस कंडीशन को. आई डोंट नो कि क्या ऐसा है हमारे. इवन आई हैव रेड ऑन सम यू नो रैंडम पेजेस के लड़कियां जो हैं वो स्पास भी जाती हैं या ब्यूटी पार्लर्स जाती हैं, या तो वहां भी उनको काफी स्टिग्मा फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग देयर स्किन कंडीशंस. So a lot many people don't visit their skin doctors. For example, when this ad was put up on your page aur maine isko share kiya, to a lot of people you know texted me ki mujhe ye skin problem rehta tha, but I was you know shy to consult about it always. Aur ye to I think it's about time that we speak about it. You know, it's not something to be hidden under the carpet. Aisi koi condition nahi hai jisko chupaya jaye. In fact, we need to raise awareness ki ye you know it's not contagious ya lagne wali ya log pata nahi kya kya iske bare mein myths and taboos apne dimag mein lekar baithe hue hain. So thanks to you ke aapne socha ke is important topic ke bare mein, kyunki hum to clinic mein daily ke basis pe dekhte rehte hain na, but ye ek large scale cheez hoti hai ki a lot of people can you know view this at their home, jo log nahi jana chahte clinics wo bhi. बिल्कुल. तो psoriasis के बारे में हम basically start करें तो Rabia, because थोड़ा सा उसको introduction देना जरूरी है कि अच्छा if I may use terms जो कि आपको लगे कि common people नहीं understand कर सकेंगे, some medical terms you can always ask me about it. Absolutely, बिल्कुल. तो psoriasis basically is a it's a chronic skin condition. ठीक है, लंबी चलने वाली बीमारी होती है. एंड उसमें होता क्या है कि यू डेवलप सम यू नो पिंकिश रेड एथीमेटस प्लाक्स जो कि यूजुअली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी के सर्टन एरियाज पे, एंड उनके ऊपर फिर एक वाइट सिल्वरी स्केल आ जाता है. ठीक है, दिस इज द ये एक स्किन मैनिफेस्टेशन होती है सोराइसिस की, बट इट कैन प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट यू नो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स. तो अब जो स्टडीज हैं वो हैं वो कहती हैं कि सोराइसिस बेसिकली तो एक स्किन कंडीशन है, बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू स्किन. देर आर नंबर ऑफ आपकी बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं और इंटरनल फंक्शंस होते हैं और सिस्टेमिक डिजीजेज होती हैं जो कि psoriasis के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ये एसोसिएशन वाइस वर्सा होता है उन स्किन कंडीशन आपकी जो सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर या शुगर जिसको हम कहते हैं, अगर वो किसी में है तो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर psoriasis एज वेल. एंड दूसरे एंड पे अगर किसी को psoriasis है तो उसको भी रिस्क होता है कि वो डायबिटीज डेवलप कर सके. सो यू नो इट्स लाइक वाइस वर्सा. तो अब जो स्टडीज कहती हैं कि psoriasis इज नॉट ओनली अ स्किन कंडीशन, इट्स इनफैक्ट अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर जो कि आपकी बहुत सारी चीजों पर अफेक्ट कर सकता है. सो दैट मेक्स इट ऑल मोर इम्पॉर्टेंट कि यू नो हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट इट. Absolutely. इधर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं, आपने जैसे कि बताया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसके अंदर हल्का पिंकिश होता है फिर उसके ऊपर वाइट स्केल आ जाती है, तो क्या ये जेनेटिकली है या ये इन्वायरमेंटली है या ये बोथ हैं? तो सो दैट इज अगेन एक वो है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि psoriasis सिर्फ जेनेटिक नहीं होता. psoriasis इज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज. ठीक है, ये बात ट्रू है कि psoriasis does run in families और लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है psoriasis डेवलप करने की, एंड देयर हैव बीन मेनी जेनेटिक जीन्स जेनेटिक स्टडीज एंड जीन्स जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि psoriasis की टेंडेंसी कॉज कराते हैं. हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि अगर आपको psoriasis हुआ है तो आपको आपके माँ बाप को भी होगा, मतलब आपके माँ बाप को पहले से होगा तभी आपको डेवलप होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता. इट डज रन इन फैमिलीज बट इट इज नॉट काइंड ऑफ हेरिडिट्री. ऑल्सो psoriasis मल्टीफैक्टोरियल है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ जीन्स डिटरमाइन नहीं करते psoriasis को, देर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि psoriasis को अकरेंस भी करा सकते हैं psoriasis की, उसको ट्रिगर भी कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग psoriasis हो तो उसको वर्सन भी कर सकते हैं.
ठीक है, जैसे कि हमारी स्टडीज कहती हैं कि सोराइसिस इज एन इम्यून मीडिएटेड डिजीज, यानी हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं बेसिकली, जो बी और टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सोराइसिस जो है वो उनकी डिसरेगुलेशन की वजह से होता है. और हमारी स्किन की जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसकी स्टडीज में भी शो होता है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो कि टी सेल्स जो है वो स्किन में आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसकी वजह से होता है. सो देयर इज नॉट अ सिंगल कॉजेटिव फैक्टर फॉर सोराइसिस. एक आपकी एक तरफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, दूसरा आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. ये आपकी दिस वाज एज फार एज हमारी मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या पैथोजेनेसिस की बात करी थी. बट जैसे कुछ एनवायरमेंटल हम फिगर्स की बात करें, जैसे कि किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑलरेडी हो, उसके साथ साथ उनकी स्मोकिंग की हैबिट हो, अल्कोहल कंजम्पशन हो, ओवरवेट हो पेशेंट, या फिर उसको जैसे मैंने बताया था डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ये सारे भी सर्टेन ड्रग्स कैन आल्सो प्रेसिपिटेट सोराइसिस. तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये ट्रिगर करते हैं आपका ऑलरेडी जो बॉडी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर किसी को प्रेजेंट होता है उसको ट्रिगर करते हैं सोराइसिस को, और ये कलेक्टिवली सोराइसिस को कॉज कराते हैं. एंड डॉक्टर सबीका, क्या ये बच्चों में और एडल्ट्स में सेम पाया जाता है या इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है? कैन दिस बी डायग्नोस्ड? तो बेसिकली सोराइसिस की बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो अडल्ट में सोराइसिस आता है. पीडियाट्रिक सोराइसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन इट्स मॉर्फोलॉजी और आई मीन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एज वेल एज इट्स प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एज वेल. By clinical presentation, you mean के जब अगर आप क्लिनिक में या डॉक्टर के पास कोई लेके जाएगा और वो दिखाई देगा, तो हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को ये भी बताते रहें कि अगर आप कोई इस तरह की डेवलपमेंट देखें अपने बच्चे या बड़े में, तो उनको प्लीज क्लिनिक में लेके जाएं ताकि डॉक्टर उनको देख सकें, या अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं तो वीडियो के जरिए उनको दिखा सकें. प्लीज गो अहेड. सो एडल्ट्स में सोराइसिस की राबिया दो मोड्स होती हैं, दो पीक्स होती हैं. इट हैज अ बाय मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन. यूजुअली या तो ये 15 टू 20 इयर्स के बीच में आता है या फिर ये 55 टू 60 इयर्स के बीच में आता है. ठीक है, ये उसकी सिर्फ एज की एक डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर हम मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखें तो सोराइसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट टाइप हमारे पास जो आती है, जो कि मैंने आपको बताई, जिसमें पिंकिश रेडिश प्लाक्स बन जाते हैं या सेलमन प्लिंक प्लाक्स बन जाते हैं, उनके ऊपर सिल्वरी स्केल्स आ जाते हैं. अगेन इट कैन इच, इट मे बी इची. बहुत सारे लोगों को इचिंग नहीं भी हो रही होती है, तो दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो ये जो है वेराइटी, ये प्लाक सोराइसिस कहलाती है. सो अडल्ट में हमें मोस्ट कॉमनली ये वाली वेराइटी मिल रही होती है प्लाक सोराइसिस की. और ये जो है इस किस्म के जो प्लाक्स हैं, ये आपके यूजुअली जो प्रीडिस्पोजिंग एरियाज होते हैं वो आपकी बायलैटरल एल्बोज होते हैं, आपकी नीज होते हैं, एक्सटेंसर सर्फेसिस, आपका स्कैल्प होता है. ठीक है, तो जो भी आपके एक्सटेंसर्स वाले एरियाज होते हैं उनके ऊपर ज्यादा आते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वहां तक ही कन्फाइंड रहें. एंड बच्चों में जो ज्यादा वेराइटी कॉमन होती है राबिया, दैट इज कॉल्ड एज गटेट सोराइसिस. उसमें आपको बिल्कुल टाइनी टाइनी से, जैसे प्लाक्स आर यूजुअली बिगर इन साइज, जो हम स्मॉलर लीजन्स के लिए टर्म यूज करते हैं उसको हम टैप्यूल्स कहते हैं, तो उसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं और वो भी इसी तरह के रेड कलर के होते हैं. उनपे स्केल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और एंड दे आर काइंड ऑफ स्कैटर्ड, एक शावर के पैटर्न में वो स्कैटर हुए हुए होते हैं बॉडी के ऊपर. तो बच्चों में इसी वजह से थोड़ा सा डायग्नोसिस डिफिकल्ट भी होता है सोराइसिस का. अडल्ट में अगर हम, अच्छा जहां तक डायग्नोसिस की बात है, अडल्ट में अगर हम देखें तो यूजुअली सोराइसिस अगर टिपिकल एरियाज में आ रहा हो, जैसे कि मैंने बताया जो इसके टिपिकल एरियाज हैं, देन वी डोंट नीड टू गेट अ बायोप्सी डन ऑलवेज. ठीक है, बट देर आर सम लीजन्स, क्योंकि स्किन की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो देर आर सम लीजन्स जो कि आपको देखने पर एक्जिमा को भी मिमिक कर सकते हैं, या कभी अगर सोराइसिस आपके स्कैल्प पर आता है सिबोरिक डर्माटाइटिस को मिमिक कर सकते हैं, एक स्किन कैंसर होता है लिम्फोमा स्किन का, उसको मिमिक कर सकता है सोराइसिस. उन कंडीशंस में हमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर टिपिकल लीजन्स होते हैं तो हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं होती. बच्चों में सोराइसिस का डायग्नोसिस इसलिए भी डिफिकल्ट होता है बिकॉज एक तो हम थ्रेशोल्ड जो होता है बायोप्सी का बच्चों में वो इतना नीचे नहीं रखते. ठीक है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है बायोप्सी करवाना, उनको कन्विंस करना, तो हम थोड़ा थ्रेशोल्ड भी अपना ऊपर रखते हैं. प्लस थोड़ी और कंडीशंस होती हैं जो कि इस तरह के पैप्यूल्स के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं. हमेशा सोराइसिस का टिपिकल स्केल जो होता है वो कटेट सोराइसिस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो
तो यूजुअली बच्चों में डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं वो हम बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी दवाइयाँ फॉर ऑब्वियस रीजंस हम बड़ों को दे सकते हैं लेकिन हम बच्चों को यंग एज में नहीं दे सकते, तो इस वजह से उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग होता है। एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट डॉक्टर सबीका, बिकॉज ये बहुत हम काफ़ी काफ़ी अरसे से ये इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर कोई आपको चीज़ फेस हो रही है बच्चों में और बड़ों में या बच्चों में, तो उसके मुतालिक जो मेडिकेशन है, अगर मेडिकेशन एडल्ट्स को प्रिस्क्राइब की गई है वो प्लीज़ बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन या बग़ैर पूछे हुए पेड्स में नहीं यूज़ करें। फ्रॉम देयर अगर हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की, तो साइंस हमने थोड़े कवर किए, अगर हम सिम्टम्स पे जाएं, तो व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स शुड बड़े या बच्चों में, और अगर यू कैन पिक व्हिच ऑफ एवर यू वांट, जैसे कि आपने बर्निंग मेंशन करी, उस तरह की क्या चीज़ें हैं? तो राबिया, यूजुअली सिम्टम्स जो सोराइसिस के होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं पर्सन टू पर्सन। बहुत से लोगों को ख़ारिश हो रही होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी ख़ारिश नहीं हो रही, बहुत से लोगों को जलन हो रही होती है उनमें, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो वहाँ पर हैं। तो सिम्टम्स यूजुअली इसके वेरी करते हैं। एक चीज़ जो पेशेंट्स ऑफन रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि जब वो जो स्केल मैं आपको बता रही थी जो सोराइसिस के लीजन्स पे बन जाता है उसको जब वो रिमूव करते हैं हाथों से, जैसे खुरचने की कोशिश करते हैं, तो उनको नीचे ब्लीडिंग पॉइंट्स नजर आते हैं क्योंकि वो स्केल बहुत टाइटली अधेरेंट होता है अपनी अंडरलाइंग लेयर से। तो इस वजह से स्किन के जो ये एक हिस्ट्री में ऐसी चीज होती है कि हमें थोड़ा सा उसकी वजह से क्लू मिल जाता है, बहुत सारे लोग ये करते हैं रिपोर्ट। प्लस सोराइसिस जो होता है, जैसे मैंने बताया कि उसकी उसको हम क्लासीफाई डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक हमने एज की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन देखी, एक हम क्रोनिसिटी की बेस पे देख रहे होते हैं। जैसे गटेट सोराइसिस यूजुअली हम एक्यूट की उसमें डालते हैं क्लासिफिकेशन में क्योंकि वो एक्यूटली प्रेजेंट करता है एंड देन वो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है जो कि बच्चों में होता है। एंड जो प्लाक सोराइसिस है वो क्रॉनिक होता है, एज की बेसिस पे हमने अभी डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी एक हो गया। इसके अलावा एरियाज होते हैं, जैसे कुछ सोराइसिस जो है वो सिर्फ स्कैल्प तक कन्फाइंड होते हैं, यू वोंट फाइंड अ सिंगल लीजन ऑन द एंटायर बॉडी, वो सिर्फ स्कैल्प पर आए हुए होंगे। इस तरह बाज लोगों में सोराइसिस जो है वो सिर्फ नेल्स में प्रेजेंट कर रहा होता है, और यूजुअली हम जब सिर्फ नेल्स पर आता है तो ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो पेशेंट हिस्ट्री दे रहा होता है कि वो काफ़ी अरसे से फंगल ट्रीटमेंट्स ले रहा है फॉर द नेल लीजन्स, लेकिन वो फंगस ट्रीट नहीं हो पा रहा, और वो यूजुअली सालों सालों तक ले रहे होते हैं और वो ट्रीट नहीं हो पा रहा होता। तो उसके बाद हमारा सस्पिशन जाता है कि ओके इट मे बी, क्योंकि जो फंगस के साइंस होते हैं नेल में और सोराइसिस के साइंस होते हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, उसमें भी ऑनिकोलिसिस हो रहा होता है, हमारी जो नेल प्लेट है वो डिटैच हो रही होती है नेल बेड और नेल मैट्रिक्स से, और सोराइसिस और फंगस दोनों में इस तरह के हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इज इट पॉसिबल डॉक्टर सबीका, इज इट पॉसिबल कि जो नेल में जो फंगस सिम्टम्स दे रहा है, जो लग रहा है कि शायद फंगस हो बट है सोराइसिस, वो आगे जैसे कि आपने बोला कि सोराइसिस कंटेजियस नहीं है बट कैन इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हाँ, दैट कैन स्प्रेड। दिस ही नेल सोराइसिस अगर आपको है तो आपको सोराइसिस दूसरी एरियाज पर भी आ सकता है। इनफैक्ट अभी मैं आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाने वाली थी कि जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम जॉइंट पेन्स का भी पेशेंट से हमेशा पूछते हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सोराइसिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द स्किन, तो सोराइटिक आर्थराइटिस इज ऑल्सो अ सेपरेट एंटिटी जो कि 30% पेशेंट्स ऑफ सोराइसिस जो हैं ओवरऑल उनमें प्रेजेंट कर सकता है। तो हमें हमेशा जॉइंट के सिम्टम्स भी पेशेंट से पूछने होते हैं। तो जब आपको नेल का सोराइसिस है तो आपको जॉइंट्स का भी सोराइसिस हो सकता है, साथ आपको स्किन पर भी कहीं पर लीजन्स आ सकते हैं बट आपसे किसी और को लग नहीं सकते हैं। तो सोराइटिक आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं वो उससे उसके सिम्टम्स में हम हमेशा पेशेंट से पेन पूछते हैं यूजुअली, और उसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं राबिया। उसमें आपके लार्ज जॉइंट्स जैसे होते हैं नीज के, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, आपके जो फिंगर्स होती हैं उसके जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं जब हम इसको थोड़ा सा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सोराइटिक आर्थराइटिस की भी एक अलग अलग प्रेजेंटेशंस होती हैं, बट ये भी एक सिम्टम होता है जो कि हम हमेशा पूछते हैं जब पेशेंट क्लिनिक में आता है। तो मुझे मुझे सुनते हुए मेरा अभी सीना भारी हो रहा है एंड आई एम थिंकिंग कि ओ माय गॉड देयर इज सो मच
जस्ट इस छोटे से इस लव्स के साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है. एंड आई एम वंडरिंग कि अगर जब आपके पास क्लाइंट्स या पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर सबीका, तो यूजुअली क्या स्टेजेस पे लोग आते हैं? क्या वो अर्ली इंटरवेंशन पे आते हैं या वो काफ़ी स्टेजेस गुजार चुके होते हैं जिन पे वो आते हैं आपके पास? राबिया, इसमें जो प्रॉब्लम है ना सोराइसिस का, ओके लेट मी बिगिन फ्रॉम हियर, क्योंकि आपने कहा कि आपका दिल भारी हो रहा है, इसलिए सोराइसिस के लिए पेशेंट मैंने कहा कि मेरा दिल एजुकेशन भारी है, ऐसे आई एम वंडरिंग कि जो 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 हमें इस वक्त सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे वो किस तरह फील कर रहे हैं, यू नो? तो अच्छा, पहले तो ये सबको बता दें कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सोराइसिस में पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर पेशेंट्स बेचारे यही सोचकर अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको बता दिया जाता है कि भाई ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती। सो वाइल दिस इज अ फैक्ट कि सोराइसिस को रूट से खत्म नहीं किया जा सकता राबिया, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड इंटायरली, ठीक है। दूसरी जगह पे ये भी एक ट्रुथ है कि अ लॉट ऑफ सोराइसिस पेशेंट्स आर लीडिंग अ क्वाइट नॉर्मल लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रीटेबल, ठीक है। इट्स नॉट क्योरेबल बट इट्स ट्रीटेबल, आप जड़ से इसको खत्म नहीं कर सकते, दैट इज अ फैक्ट। बट लोग ट्रीट करवाते हैं एंड पीपल डू गो इन टू रेमिशंस फॉर मतलब लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनको कभी सोराइसिस था। सो ये पेशेंट एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पॉपुलेशन में, क्योंकि इतना सब डरे हुए हैं कि भाई अब तो मुझे एक जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, और ये इसके लिए अब बहुत एडवांस्ड ऑप्शंस आ गए, ठीक है, और बहुत कंट्रोलेबल सिम्टम्स हो गए हैं अब इसके। अब इतना ज्यादा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट नहीं होती। हाँ, हमारे पास पॉपुलेशन थोड़ा अर्ली स्टेजेस में आने से डर रही होती है। दूसरा ये कि नॉन कंप्लायंस हो जाती है, क्योंकि पेशेंट एक टाइम पर आकर शायद थक भी जाता है। हमें काउंसलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है सोराइसिस की कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले, बी इट एज सिंपल एज टोपिकल ट्रीटमेंट हो या फोटोथेरेपी हो या मीथोट्रेक्सेट हो, कि आपके ट्रीटमेंट को एक तो असर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। यू विल हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ वीक्स फॉर इट टू वर्क, इट्स नॉट मैजिक। ये ओवरनाइट आपके स्केल्स गायब नहीं हो जाएंगे, लीजन्स गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाने की जरूरत होती है। अगर आप एक बार समझा दें तो फिर पेशेंट फिर कंप्लायंस की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी ट्रीटमेंट पीछे बीच में छोड़ दें, ठीक है, या आप अपना डॉक्टर बदल दें, या आप अपना ट्रीटमेंट करवाना बीच में छोड़ दें या भूल जाएं, उसको नॉन कंप्लायंस कहते हैं। और सोराइसिस क्योंकि क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होता है क्लिनिक्स में कि लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं बीच में। तो ये पेशेंट एजुकेशन एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लायंस आपकी पेशेंट की होगी तो फिर ये ट्रीट होगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी एज सिंपल एज मीथोट्रेक्सेट दे रहे हो या स्टीरॉइड दे रहे हो या कोई बायोलॉजिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर हम पेशेंट को एक बार ये समझा देते हैं देन दे डू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपकी ना सोराइसिस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ये समझाना पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है। सिम्टम्स जो है वो इस तरह, मतलब जब आप पेशेंट आएगा वो आपका कहीं ना कहीं से ट्रीट हुआ हुआ होगा, तो उसको आप बताना है कि भाई अब जो हम आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा लॉन्गर अरसा लेगा, ठीक है। बट जब आप और जब आपको जब पेशेंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, व्हेन देयर कम्स अ टाइम जो पेशेंट एक्चुअली रिस्पॉन्ड करते हैं, तब भी आपको उनको एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है कि अब आपने मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी लेनी है, आपने फॉलोअप पे आते रहना है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा से लाइफ में ऐसे लीजन्स नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये भी इरिटेट हो जाते हैं कि भाई हमने तो एक बार ट्रीटमेंट ले लिया था, अब हमें दोबारा क्यों वो लीजन्स हो रहे हैं, विच इज अगेन क्योंकि पेशेंट एजुकेशन नहीं दी गई होती है कि भाई ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, ये वापस आ जाएगा। कोई भी ट्रीटमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। जब भी आपके पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस आते हैं लाइफ में, विंटर कंडीशन जैसे होती है, हमारे जो विंटर के क्लाइमेट्स होते हैं उसमें सोराइसिस एक्सेसरबेट हो जाता है। जब बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजरती है, बी इट आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो या कोई आपकी सर्जरी वगैरह हुई हो या कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जब भी कोई स्ट्रेस होता है या क्लाइमेट चेंज होता है या सर्टन ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं हमारे, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, ऐसी चीजें अगर आप यूज करेंगे तो आपका सोराइसिस दोबारा से ट्रिगर हो सकता है लाइफ में कभी भी, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर अगेन। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती चलूँ डॉक्टर सिबिका, जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, कि हमारा एट शिफाम एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहा है ऑन पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट एजुकेशन, विच इज़
अगर आपको एक ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है तो प्लीज़ उसको एंड टू एंड फॉलो करें, स्टार्ट टू एंड। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे और फिर अपना प्रैक्टिशनर चेंज करके किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको वही वो सेम सेट ट्रीटमेंट प्लान देंगे, और अगर आप कहेंगे लेकिन मैंने तो ये स्टार्ट किया था लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आपको वही ट्रीटमेंट प्लान दोबारा से शुरू कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 दिन का हो, 6 हफ्ते का हो, 7 दिन का हो, 1 साल का, जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको एंड टू एंड फॉलो कीजिए। ना कि इसके आप अपना ट्रीटमेंट प्लान पहले अधूरा छोड़ दें या अपने ट्रीटमेंट प्लान के बियॉन्ड अपनी अदवायात लेते रहें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव बीन फोकसिंग ऑन दैट। डॉक्टर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट के बियॉन्ड आपके, जब जितना आपके डॉक्टर ने कहा है उसके बियॉन्ड भी प्लीज उसको कंटिन्यू करें। काफी सारे लोग जो हैं वो बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस जो इंतहाई आपके हम जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो पेशेंट को मॉनिटर करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मीथोट्रेक्सेट देते हैं हम सोराइसिस में, हम मॉनिटर करते रहते हैं कि पेशेंट के LFTs ठीक हैं, उसको कोई नोजिया वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, उसका CBC ठीक है, उसके सेल काउंट्स तो कम नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको लगता है कि चलो ये मीथोट्रेक्सेट असर कर गई, अब दे डोंट फॉलो अप विद द डॉक्टर। ठीक है, एक तो वो लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं, प्लस दे कंटिन्यू द मेडिकेशन एज वेल, विच इज लाइक सो रॉन्ग। क्योंकि आप अपने स्किन के लीजन्स के लिए आप अपने लिवर को तो नहीं खराब करोगे ना, आपको वो भी तो एक चीज देखनी है। आपको पता ही नहीं है जब कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं उस मेडिकेशन के जो आप ले रहे हो, तो प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट। Absolutely. डॉक्टर सबीका, अभी हमने बात की, जैसे कि आप अभी बता रही थी कि as a person who is, as a doctor who is looking at psoriasis, are there any myths and misinformation around psoriasis जो आपको क्लिनिक में विजिट करते हैं पेशेंट्स या आपको जो सुनने में आता है? सो वो myths and misinformation जो बाकी पेशेंट्स ने सुना हो जिसकी वजह से वो डर रहे हो आने के लिए या उसको चेक नहीं करवा रहे हो। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी जो मैंने आपको मिथ बताई ना कि लोगों को लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स को नहीं थी तो मुझे कैसे हो गई, ये मिसकंसेप्शन एक्चुअली मिथ में। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट हेरिडिटरी, जरूरी नहीं है कि आपके इमीडिएट पेरेंट्स से आपको आए, इट रन्स इन फैमिलीज और ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज है, मल्टीफैक्टोरियल है। जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को हो तभी आपको हो सकता है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि अगर आपको है तो आपके बच्चों में भी आएगा, ठीक है, नो वन कैन गारंटी दैट। अच्छा, दूसरा जो एक मिथ जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स कंटेजियस, ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों का कि मैं अपना जो पानी यूज कर रही हूँ वो पानी अगर मैं किसी और, कोई और उस पानी को यूज कर ले तो उसको तो नहीं फैल जाएगा, या जो मैं कपड़े पहन रही हूँ कोई और उनको हाथ लगा दे या वो साथ कपड़े धो लें तो उनको तो नहीं फैल जाएगा, सिबलिंग्स में बच्चों में हो जाता है तो उसके भाई को तो नहीं लग जाएगा, इसकी बहन को, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। इवन अगर सिबलिंग्स में आ रही है तो वो उसकी जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से आ रही है, 2-3 सिबलिंग्स में, ये इट डज नॉट स्प्रेड, इट्स नॉट एन इन्फेक्शन, ठीक है, इसके कोई पार्टिकल्स नहीं है जो उड़ के वहां चले जाएंगे और वहां इन्फेक्शन करा देंगे। तीसरी आई थिंक राबिया जो मैं सबसे कॉमन मिथ हमारे पास आती है, नॉट जस्ट सोराइसिस के लिए, बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए, कि ये मुझे किसी खाने की चीज़ से हुआ है। पता नहीं लोग क्यों खाने और पानी के पीछे इतना पड़ गए हैं कि समहाउ हर चीज़ उनको लगती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कि मैंने उस दिन उस रात को वो खाया था तो मुझे ये हो गया है, या मैंने उस दिन जो है वो इस जगह का पानी पिया था तो मुझे ये हो गया है। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके सोराइसिस के पॉजिटिव फैक्टर्स में, हाँ, डाइट आपके लिए, वंस आपको सोराइसिस हो जाए तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, इसलिए राबिया, क्योंकि सोराइसिस में सोराइसिस का जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान हम पेशेंट को देते हैं उसमें पेशेंट एजुकेशन के बाद सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब सोराइसिस को एक्सेसरबेट भी कर सकता है, वर्सन कर सकता है, ठीक है, तो पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं। इसी तरह ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सोराइसिस को वर्सन कर सकता है आपके। तो जो भी लोग हैं जो कि जिनका BMI ओबेसिटी की उसमें फॉल करता है, वी ऑलवेज टेल देम कि आप भले आधा घंटा ही सही लेकिन अपने प्लीज अपने रूटीन में वॉकिंग को शामिल करें, ठीक है, एक तरफ तो आपका, आपके वेट को वो हेल्प करेगी,
और दूसरी तरफ आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है वॉकिंग से, विच इज प्रूव्ड इन स्टडीज. ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन हम एडवाइस करते हैं उन लोगों को जिनको सोरायसिस होता है. ठीक है, वो इसलिए ताकि उनका वेट एक यू नो एक सूटेबल रेंज में रहे. इसलिए सिमिलरली क्योंकि डायबिटीज सोरायसिस को वर्सन करता है, तो जो पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं, सोरायसिस भी होते हैं, उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन उनके हिसाब से होती है. उनको ऐसे फूड्स खाने होते हैं कि उनकी शुगर लेवल्स हाई ना जाए, वरना उनका सोरायसिस भी वर्सन हो सकता है. तो वो मॉडिफिकेशन एक जगह इंपॉर्टेंट है, बट एज सच डाइट का इस तरह कोई रोल नहीं है कि उसकी वजह से ही सोरायसिस हो रहा है. ठीक है, तो ये थोड़े से मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स हैं जो हमें रिमूव करने की जरूरत है. एक और चीज जो मुझे था यहाँ पे, क्योंकि डायबिटीज और इसकी बात आई है, जो एक और कोमॉर्बिडिटी हम सोरायसिस के साथ देखते हैं वो है कि सोरायसिस के पेशेंट्स, और जो स्टडीज में प्रूव हुआ हुआ है, दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. समहाउ सोरायसिस हमारे यहाँ पे मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा एंड द कल्चर वी लिव इन, बट लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाती है. इवन अगर उनका स्किन डिजीज इतना ज्यादा नहीं होता ना बॉडी पर, तब भी दे वॉन्ट के उनके बस उनको एक्सटेंसिव से मतलब सबसे यू नो सीरियस और सबसे जो हम उन पेशेंट्स को जो हम दवाइयाँ जो हम सीवियर सोरायसिस के लिए रिजर्व कर रहे होते हैं वो भी उनको चाहिए होती हैं, ताकि उनका सोरायसिस इतना ज्यादा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट हुआ हुआ होता है. तो अगर आप वॉकिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल करो, अपने किसी तरह मतलब यू नो लाइफ स्टाइल और उसको बदलो, और किसी तरह अपने स्केड्यूल में टाइम निकालो कि आप कोई आधा घंटा यू नो ऐसी वॉक करो जिसमें आपके जहन पे कोई वो ना हो, नॉट जस्ट वो काम कि आप किचन से रूम तक आ गए और एक रूम से दूसरे रूम घर में वॉकिंग कर ली, वो वाला नहीं. यू नो व्हेन यू आर फ्री, योर माइंड इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस. तो अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए रोज निकाल लें तो सोरायसिस के ये सिम्टम्स भी बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, जो डिप्रेशन लोगों में हो रहा होता है. डॉक्टर सबीका, जब आप बात कर रही थी तो आपने बहुत राइटली यू नो स्किन डिजीज या एनी काइंड ऑफ जो विजिबल प्रोसेस हो रहा होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स गुजर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा एक बहुत टैबू स्ट्रिकन, लुक्स आर अ वेरी वेरी शेम बेस्ड थिंग हमारी सोसाइटी में, तो उसके साथ अगर स्किन डिजीज टाइप कोई चीज़ हो रही होती है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और डिबिलिटेटिंग हो जाती है. जैसे कि आपने कहा कि इट अफेक्ट्स द क्वालिटी, मेंटल वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन. तो अगर आप इस वक्त डॉक्टर सबीका को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ नो कि शिफाम के प्लेटफॉर्म जहाँ से हम इतनी अवेयरनेस यू नो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शिफाम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स एंड प्रैक्टिशनर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वेदर ऑनलाइन या आप उनसे कंसल्ट कीजिए. डॉक्टर सबीका, हमने काफ़ी यू नो साइंस, सिम्टम्स, इन चीज़ों को टैकल किया. एक जो चीज़ दिमाग में आती है, जैसे कि आपने कहा कि क्लिनिकली क्या प्रेजेंट हो रहा है जब एक इंडिविजुअल या पेशेंट आ रहा हो क्लिनिक के अंदर, लेकिन अगर हम टेस्ट या डायग्नोसिस के बारे में बात करना चाहें कि वो किस तरह होता है फॉर सोरायसिस. तो राबिया, मैंने जैसे बताया कि अगर टिपिकल बॉडी साइट्स अफेक्टेड होती है ना, तो फिर तो हमें बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं होती. नॉट एवरी सोरायसिस पेशेंट नीड्स अ स्किन बायोप्सी. ठीक है, लेकिन जिन पेशेंट्स में हमें कुछ चीज़ें मिमिक कर रहा होता है, कभी कभार यू नो पेशेंट्स बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी यूज़ करके आए हुए होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी मेडिकेशन जो सोरायसिस के लिए नहीं दी जानी चाहिए, कोई भी, तो उनकी पिक्चर भी चेंज हुई होती है कुछ प्लाक्स की. कभी कभी पेशेंट्स हाफ ट्रीटमेंट लेकर आए हुए होते हैं, पार्शियली ट्रीटेड सोरायसिस के साथ आ रहे थे, तो वो फिर मिमिक कर रहा होता है सर्टेन कंडीशंस को. उन केसेस में वी डू गो फॉर अ स्किन बायोप्सी. बच्चों में स्पेशली ना, जैसे सोरायसिस जो इन्फेंट्स में प्रेजेंट करता है वो डायपर एरिया में प्रेजेंट कर रहा होता है अक्सर. काफ़ी, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि हर डायपर रैश जो है वो सोरायसिस है, लेकिन ये कि बहुत सारे इन्फेंट्स जो हैं उनका डायपर रैश जब ट्रीट नहीं हो रहा होता डिस्पाइट एंटी फंगल्स और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की ट्रीटमेंट के, और तो फिर हम उनका जब फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी के थ्रू करते हैं तो वो सोरायसिस होता है. तो ऐसे कंडीशंस में जब यू नो बहुत एटिपिकल साइट्स इन्वॉल्व हों, जैसे कि कभी कभार एक फ्लेक्जरल या इनवर्स सोरायसिस एक प्रेजेंटेशन होती है सोरायसिस की, जिसमें वो फ्लेक्जर्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, यू नो विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू इट्स टिपिकल प्रेजेंटेशन. वो एक्जिला में आ रहा होता है, बगल की रीजन में आ रहा होता है, ग्रॉइंस के अंदर आ रहा होता है, थाइस की इनर साइड पर आ रहा होता है,
तो जब ऐसी एटिपिकल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं तो फिर हम स्किन बायोप्सी करते हैं, जो कि एक प्रोसीजर होता है जो आपको मतलब आपकी क्लिनिक सेटिंग में ही होता है, और उसमें हम पेशेंट की जो स्किन है उसको थोड़ा सा लोकल एनेस्थीजिया देकर और उसको सुन कर देते हैं, ताकि पेशेंट को जब एक नीडल हम जिससे हम बायोप्सी करते हैं वो फील ना हो. तो बेसिकली एक पेन की टाइप की फिर एक नीडल होती है, उससे हम जो है वो उसकी एक जिल्द का एक टुकड़ा ले लेते हैं और फिर उसको सैंपल में भेज देते हैं और उससे फिर हमें पता चल जाता है. बट ये एटिपिकल प्रेजेंटेशंस के लिए हम रिजर्व करते हैं. डॉक्टर सिपिका, अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आए एंड अगर हम जहाँ पे टॉपिकल ऑइंटमेंट बेस जो लेस सिवियर मॉडरेटली सिवियर कि जहाँ तक हम उनका अगर हम उनकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर सकें. तो बिल्कुल आपने ठीक कहा राबिया कि यहाँ पे भी सोराइसिस में भी बेसिकली जब हम पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हमारे पास सर्टेन टूल्स और स्कोर्स होते हैं जिनसे हम पेशेंट को क्लासिफाई करते हैं कि पेशेंट आइदर माइल्ड की कैटेगरी में आ रहा है या मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहा है या सिवियर सोराइसिस की कैटेगरी में आ रहा है. तो अगर तो पेशेंट माइल्ड सोराइसिस की कैटेगरी में आता है तो यूजुअली वो टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटेबल होता है. ठीक है, उसमें हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं एंड दीज ऑल आर इन अ कंट्रोल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट. टॉपिकल स्टीरॉइड्स हैं, वाइटामिन डी के एनालॉग्स हैं हमारे पास जिसको कैल्सिपेट्रोयोल कहते हैं. उसके अलावा कोल्टार है हमारे पास, डायथ्रेनॉल है, सर्टन कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि टैक्रोलिमस है. तो ये सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट हम माइल्ड सोराइसिस के पेशेंट्स में देते हैं. कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं राबिया जिनको माइल्ड सोराइसिस लाइक उनका सोराइसिस बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सटेंड नहीं कर रहा होता बट थोड़े ज़्यादा बॉडी एरियाज को कवर कर रहा होता है, या फिर उसको हम मॉडरेट सोराइसिस की कैटेगरी में डालते हैं सपोज माइल्ड में नहीं है. तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को हम टॉपिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एरियाज पे नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी और आई थिंक हमारी आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये पता हो कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो हम उनको बहुत लंबे अरसे और बहुत ज्यादा बॉडी एरियाज पे नहीं देते, वरना वो हमारी स्किन को थिन कर देते हैं, स्ट्रेच मार्क्स कॉज कर देते हैं. तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स के लिए फोटोथेरेपी की ट्रीटमेंट देते हैं यूजुअली, जो कि इतने साइड इफेक्ट्स नहीं कॉज कराता जितने टॉपिकल स्टीरॉइड से हमें हो सकते हैं. दैट इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन फॉर सोराइसिस, फोटोथेरेपी या शुआओं का इलाज जिसको हम कहते हैं. फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं सिवियर सोराइसिस वाले जो कि हमारे इंडेक्स में फॉल कर रहे होते हैं कि भाई इनको जो है वो सीवियर वो है एंड वी नीड टू ट्रीट इट विद सम सिस्टेमिक एजेंट्स. तो उसमें हमारे पास फिर मेथोट्रेक्सेट के ऑप्शंस हो रहे होते हैं, साइक्लोस्पोरिन के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, एसीट्रेटिन के ऑप्शंस आ रहे होते हैं. और अभी रिसेंटली सोराइसिस में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि ऐसी ड्रग्स आ गई हैं कि हम ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मेथोट्रेक्सेट साइक्लो दे आर ऑल गुड मेडिकेशंस बट इन सब के भी साइड इफेक्ट्स हैं एंड अ लॉट ऑफ दीज मेडिकेशंस कैन नॉट बी गिवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन से बहुत सारे लोगों की किडनी इंजर हो जाती है तो हम उनको नहीं कंटिन्यू कर सकते, या उनके लिवर प्रोफाइल डीरेंज हो जाती है तो हम एसीट्रेटिन कंटिन्यू नहीं कर सकते, मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते. तो अब सोराइसिस में काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गई हैं राबिया, और हम ये सारे एजेंट्स को अवॉइड करके एक बायोलॉजिक एजेंट भी दे सकते हैं जो कि अब काफ़ी सारे FDA अप्रूव हो गए हैं फॉर सोराइसिस, वो भी सोराइसिस में और सोराइटिक आर्थराइटिस में दोनों में काम करते हैं. बट बस ये एक थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन के लिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि थोड़ा सा उनके अफोर्डिटी का इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि वो इतना अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए बायोलॉजिक एजेंट्स. बट ये कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस. एंड यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर आप वेलफेयर की तरफ जाना चाहें देर आर बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो वेलफेयर आपकी ट्रीटमेंट करवाते हैं. बहुत सारे क्लिनिक्स एंड हस्पताल हैं जो नॉट एब्सोल्युटली फ्री लेकिन कुछ हद तक बहुत हेल्प करते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो सोराइसिस फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो आपको आपकी फर्स्ट स्टेज के बाद आपकी काफ़ी मदद कर सकता है. डॉक्टर सिपिका, हमने बात करी है अबाउट कॉजेज, हमने बात करी है अबाउट साइंस, हमने बात करी है अबाउट सिम्टम्स, हमने रिस्क फैक्टर्स की भी बात की है और हमने थोड़ी सी अवेयरनेस की भी बात की है कि जहाँ से शेम रिलेटेड टॉपिक्स हैं या टैबूज हैं तो वो किस तरह के
साइकोलॉजिकल कंडीशंस में डाल देता है इंडिविजुअल्स को हु हैव बीन प्रेजेंटेड विद सोराइटिक कंडीशंस एंड डायग्नोसिस. अभी भी नूरुल ऐन ने हमसे पूछा कि इस सोरायसिस क्यूरेबल, जिसके आगे जवाब जैसे कि आपने पहले बोला था कि इट इज मैनेजेबल, unfortunately there is no cure for yes, it. Yes, it's controllable, the symptoms can be controlled, it is treatable, you can go into remission for a long period of time, lekin ye relapse and remit karta rehta hai. Aap remission mein chale jate ho, uske baad dobara relapse ho sakta hai life mein, ho sakta hai ki na bhi ho. Actually it also depends a lot on how compliant the patient is to you know the medications and the follow ups with the doctor. So like I said, ke it's not curable, but the symptoms are treatable. It can be controlled entirely. Absolutely. जो हमें लेटर ज्वाइन कर रहे होंगे डॉक्टर सबीका, उनको अगर हम आपने जैसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, आपने टाइप्स ऑफ सोराइसिस के बारे में भी बात की. डॉक्टर सबीका, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस एब्सोल्युटली. आपको आ रही है? तो अगर हम एक दफ़ा फिर, जी बिल्कुल, अगर हम एक दफ़ा फिर बता सकें कि जो वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो सोराइसिस के आउटब्रेक को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस और एंजाइटी से भी सोराइसिस एग्जास्पिरेट हो सकता है, तो वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो सोराइसिस को? ओके, सो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं राबिया, फिगर्स या रिस्क फैक्टर्स, और कुछ इंटरनल फिगर्स हैं. इंटरनल फिगर्स लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जेनेटिक्स, हमारी फैमिली हिस्ट्री जो है दैट इज एन इंटरनल फिगर. डायबिटीज है किसी पेशेंट को, शुगर जो है, ब्लड प्रेशर है, ये एक इंटरनल फिगर है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो भी एक इंटरनल फिगर होता है फॉर सोराइसिस, के कितना पेशेंट जो है उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है. ओबेसिटी भी एक इंटरनल फिगर है. ठीक है, पेशेंट ने अपना वेट कितने कंट्रोल में रखा है, उसका बीएमआई ओबेसिटी में या ओवरवेट में फॉल कर रहा है. दीज ऑल आर इंटरनल ट्रिगर्स. ये सोराइसिस को वर्सन भी कर सकते हैं, और जिनकी जेनेटिक टेंडेंसी हो सोराइसिस डेवलप करने की, उनको सोराइसिस अकर भी हो सकता है, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, एज अ फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. हम अगर एक्सटर्नल ट्रिगर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास सर्टन मेडिकेशंस आते हैं राबिया, जिसमें सर्टन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं. इसलिए ये भी जरूरी है कि अगर आपको सोराइसिस है तो आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह का डॉक्टर है उसको पता हो कि आपको सोराइसिस है. तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स है, एस इनहिबिटर्स है, कुछ एंटी मलेरियल्स, मलेरिया की मेडिकेशंस होती हैं, वो भी सोराइसिस को ट्रिगर करा सकती हैं. अच्छा, बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शन जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के, वो भी जो है वो सोराइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं. वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हिस्ट्री में हमेशा पूछते हैं जब पेशेंट्स आते हैं कि उनको कोई प्रायर थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था बिफोर द अकरेंस ऑफ सोराइसिस. इसके अलावा कभी कुछ लोगों को वैक्सीनेशंस के बाद क्योंकि उनकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है तो उनको ट्रिगर कर सकता है सोराइसिस. सो कलेक्टिवली, अच्छा, कुछ लोग जो है वो उनको कुछ डॉक्टर्स ने टोपिकल स्टीरॉइड्स दिए होती हैं, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्वैक्स वगैरह के पास जो विजिट कर रहे होते हैं वो ओरल स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं सोराइसिस को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कुछ खास कंडीशंस हैं जिनमें हम ओरल स्टीरॉइड्स देते हैं सोराइसिस में. नॉट एवरी सोराइसिस हैज टू बी ट्रीटेड. इनफैक्ट ओरल स्टीरॉइड्स वर्सन कर देते हैं सोराइसिस को. तो जब ऐसी कोई मेडिकेशन पेशेंट लेकर आ रहा होता है जो कि वो एब्रप्टली खुद ही स्टॉप कर देता है, ठीक है, और जो कि उसको नहीं दी जानी चाहिए थी, तो उस कंडीशन में भी जो है वो ये सोराइसिस जो है वो फ्लेयर कर सकता है. अक्सर लोग जो है वो टोपिकल स्टीरॉइड्स लगा रहे होते हैं जो कि उनके सोराइसिस को ट्रीट कर रहे होते हैं, बस उसको एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं, यू नो, विदाउट विजिटिंग द डॉक्टर. That can also trigger or worsen your psoriasis. So, ये कुछ external figures होती हैं. Dr. Sipika, we have a question from Hina Zafar. Is psoriasis life-threatening? No. Thank you for asking this question. मैं सोचा था कि मैं ये बताऊंगी कि having said कि psoriasis is not curable entirely and it is a lifelong disease, it's not life-threatening. It does not affect, except कि आपकी quality of life affect हो सकती है. But it cannot endanger your life. And again, another misinformation, agar hum isko kehna chahe, Dr. Sabika, ke
अपनी अपनी रिसर्च, अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी कीजिए जब आप किसी आपको कोई अर्ली इंटरवेंशन की पहचान होती है, या अगर नहीं भी होती लेकिन अगर आप महसूस कर रहे होते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, किसी और घर वाले के साथ, तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलिजेंस करके प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए. क्योंकि चाची ने कहा, मामी ने कहा, उन्होंने ये दवाई लगाई थी, पॉलीफैक्स लगा लो, कोई ऑइंटमेंट लगा लो. एंड जैसे कि डॉक्टर सबीका ने बताया कि बाज़ औकात कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स उसकी ट्रिगर और बढ़ा सकते हैं, उसकी असरात को और बढ़ा सकते हैं. सो प्लीज़ 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 कंसल्ट अ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर सबीका, जो आपको गाइड कर सकें, आपको बता सकें वेयर यू आर, हाउ यू आर, एंड व्हाट यू कैन डू. डॉक्टर सबीका, अगर हम आज के सेशन को थोड़ा सा समेटते हुए चलें एंड हम बात करें अबाउट, जैसे कि आपने हमें बताया पेशेंट अवेयरनेस के बारे में, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि एज अ डॉक्टर आप एक काउंसलर भी बन जाती हैं जब आप पेशेंट अवेयरनेस की बात कर रही होती हैं. अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करूं और मैं डॉक्टर्स पे फोकस करूं, यंग मेडिकल स्टूडेंट्स पे, रेजिडेंट्स पे, जो इस वक्त शायद डर्मेटोलॉजी कर रहे हों, शायद ना कर रहे हों, शायद ईआर में हों, शायद पीड्स में हों, बिकॉज अगर कोई इमरजेंसी में आता है विद दीज प्रेजेंटिंग फैक्टर्स, तो व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू सी ग्रोइंग इन आवर मेडिकल इंडस्ट्री, एंड हाउ वुड यू लाइक देम टू ट्रीट और एंटरटेन द पेशेंट्स. I would just give a little advice to पहले to the doctors जो इस field में आना चाह रहे हैं, कि जब आप किसी patient का treatment start करते हो तो हमेशा counseling से start करें, खास तौर पे मेरी field में skin conditions में, क्योंकि हर ज़्यादातर जो conditions हैं ना skin की, वो थोड़ी chronic चलने वाली होती हैं और हर दवाई जो है वो time असर करने में थोड़ा time लेती है. सो वेन एवर यू पेशेंट को अगर आप काउंसिल अच्छा कर देते हो ना, मुझे लगता है उसकी हाफ ट्रीटमेंट वहीं हो जाती है, अगर उसको समझ आ जाए कि उसको क्या है. बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इसीलिए बेचारे अपना इलाज नहीं कर पाते या उनका इलाज सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये डिजीज़ कितना किस तरह ठीक होगा और इसकी नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है. हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, एंड समहाउ हमारे माइंड में वो सब फील हुआ होता है, बट वॉट वी नीड टू नो इज हमें वो ट्रांसफर भी करना होता है पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में, ताकि उसको भी समझ आए कि भाई उसको जो दवाइयाँ दी जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसका डॉक्टर भी उसको ठीक करने की उतनी ही कोशिश कर रहा है. ठीक है, वो ये नेगेटिव इंप्रेशन ना लेकर जाए कि मुझे महंगी महंगी दवाइयाँ ले दी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसकी दवाई, उसके मर्ज का इलाज ही ये दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर अपने शौक से नहीं लिख रहा. ठीक है, तो ये एक काउंसलिंग का एक फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में भी, एंड ऑब्वियसली ओवरऑल, चाहे आप ईआर में हो, चाहे आप फील्ड्स में हो, चाहे आप कहीं भी हो, पेशेंट के साथ एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. हालांकि मैं आपको जैसे अभी शुरू में कह रही थी कि डर्मेटोलॉजी इज नॉट अबाउट एस्थेटिक्स ना, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि जिसको एक्नी होती है और जिसको जिसकी डार्क स्किन होती है, उसके लिए सब कुछ वही होता है. ठीक है, उसको होता है कि बस ये ठीक हो जाए. तो जहाँ पे मतलब आपको अगर किसी भी चीज का पेशेंट देख रहे हो, तो जस्ट यू नो स्टे ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स, स्टे ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन. आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आ रहा होता है. एंड ऑन द अदर हैंड, एक एडवाइस जो मैं पेशेंट्स को भी देना चाहूँगी कि यू ऑल्सो यू नो पेशेंट्स ऑल्सो, आपको अपनी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए. यू डोंट हैव टू हाइड योर इलनेसेस फ्रॉम द डॉक्टर. प्लीज डोंट सर्च फॉर शॉर्टकट्स. ठीक है, मेरे पास अभी भी डिस्पाइट नोइंग कि आई एम क्वालिफाइड, मेरे पास अभी भी लोगों की क्वेरीज आ रही होती हैं कि मैंने फलां पेज पे ये चीज़ देख ली थी तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो इसमें लिखा था कि वो दो दिन में ठीक कर देगी स्किन को. तो प्लीज़ प्लीज़ जस्ट यू नो रिकग्नाइज द नीड कि हम एक लेस एजुकेटेड अवाम हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाने बैठे हैं कि इस अवाम की एजुकेशन कम है. सो प्लीज़ गो टू क्वालिफाइड पीपल, ठीक है, एंड देन try to stay compliant to your medications. And very very rightly said, Dr. Sabika. Agar aap Google pe apne ilaaj ka answer ya solution dhoond rahe hain, yes, jaise humne kaha here se family wale ne ye kya, un aunty ne is tarah use kiya, unka to bilkul theek ho gaya,
प्लीज़ रिमेंबर दैट हम सब यूनिक हैं, हम सब के प्रेजेंटिंग फैक्टर्स फ़र्क हैं और हम सब की उस बीमारी या इस डिसऑर्डर या कंडीशन या जो भी आप कह लें उसके असरात एंड उसके ट्रीटमेंट प्लान्स फ़र्क होते हैं. सो प्लीज़ कंसल्ट विद प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर सबीका जो आपको गाइड कर सकें, आपकी बेहतरी के लिए आपको इन्फॉर्म कर सकें. एंड अगेन, ट्रीटमेंट प्लान्स नॉट टू बी मिसयूज्ड, अर्ली इंटरवेंशन शुड बी इनकरेज्ड. एंड वी आर हियर, शिफाम इज़ हियर एज अ प्लेटफॉर्म जो नेटवर्क करता है अपने मुल्क के डॉक्टर्स को टू अपने मुल्क के कौम को. सो प्लीज़ 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 इसका फ़ायदा उठाइए. एंड हर किसी के पास अब फ़ोन है, ऐप, फ़ोन कॉल या वेबसाइट के ज़रिए डॉक्टर सबीका एंड अदर प्रैक्टिशनर्स से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपकी इस जर्नी में आपकी मदद कर सकें. थैंक यू सो मच डॉक्टर सबीका फॉर योर टाइम. Thank you so much, Rabia, for having me over, and it was a pleasure talking on this topic. And I'm really impressed the way Shifam reaches out to people, or जिस तरह आपने counselling की. I think बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर बैठ के आप लोगों के sessions सुने तो शायद अपने अपने जो भी उनकी life में हो रहा होता है उसके बारे में guidance at least हासिल कर सकें कि हमें जाना कहाँ है और दिखाना किसको है. So kudos to your team and thank you so much for having me over. Thank you so much, Dr. Sabika, for the appreciation. And I hope I can speak to you jald hi on another topic. I hope aap sabka safe weekend guzre aur apna khyal rakhiye. And sabse pehle, please, 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 agar koi cheez detect ho, aapko feel ho, aapki gut mein feeling ho ki ye kuch off hai, to कंसल्ट कीजिए क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज की. थैंक यू सो मच डॉक्टर सबीका. आई होप सबका सैटरडे और संडे अच्छा और खुशगवार गुजरे. खुदा हाफिज़. मोस्ट वेलकम. खुदा हाफिज़.